फतेह खान बंदियाल का बेटा उमर खान बंदियाल आइन और कानून की बात करेगा, आइन का इल्फ उठाया है, और वो लोग जो खुद सियासी खुदकशी की, जिन्होंने ये कौम को खुदकशी की तरफ ले जाना चाहते हैं, ना इनसे सियासत चल रही है ना इनसे रियासत चल रही है। खुद इसहाक डार ने कल कहा जी कि IMF तो दूर ताखीर हो गई है, और साथ ही उसने ये भी कहा है कि हमसे बॉन्ड जो हैं, कौन सा बॉन्ड है जी ये हैं, स्कूप बॉन्ड हमारे से नहीं बिक रहे, आम आदमी के लिए मसाइल हैं। सारी कौम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है, चीफ जस्टिस के फैसले के साथ सारी कौम खड़ी है, और उम्मीद है कि चीफ जस्टिस इंसाफ पे मबनी आइनी और कानूनी फैसला देगा। जजेस का एक अपना मसला है, मैं आपको कौम की तर्जमानी कर रहा हूँ। जजेस के जजेस में इख्तलाफ रहे हैं, और ये ना समझें कि आज जस्टिस मुनीर का दौर है, आज जस्टिस कार्नलिस का दौर है। आज 1947 नहीं, 1947 हुआ तो खाना जंगी होगी, फिर यहाँ मारा मारी होगी, छीना झपटी होगी, क्योंकि लोग तंग हैं, लोगों के मसले हल नहीं हो सके। शेख साहब ये बता दें, शेख साहब आपने कई बार कहा था कि अक्टूबर में आर हो जाएगा, नवंबर में पार होगा। देखो मैं तो अक्टूबर अभी नहीं आया, देखो ये अक्टूबर को भी जलसे निकल, मेरा ताकतवर हलकों से कोई तलक नहीं है 10 महीनों से। आज शाम को इमरान खान की कोर कमेटी की मीटिंग है, वहाँ अपनी राय दूंगा। मैं ताकतवर हलकों से लड़ने का हामी नहीं हूँ, मैं राय दे सकता हूँ, फैसला करना इमरान खान का काम है, मैं मैदानों से लड़ने का हामी नहीं हूँ, मैं पीट चुका हूँ। मैं खुद जो है 16 दिन आंखें बंद करके और पट्टियाँ बंद के, इन्होंने तो मेरा लिहाज नहीं किया, ये तो इतने बद लिहाज हैं। लेकिन ये जो महीने आ रहे हैं ये बड़े अहम हैं, फैसला होना है, मुल्क ने आगे चलना है। ईरान और सऊदी अरब एक हो गया, लबनान उधर आ रहा है, बहरीन उधर आ रहे हैं, हम दुनिया में तनाव रहे हैं, हम मजाक बन रहे हैं। कल शहबाज शरीफ ने क्या तकरीर की है, मजाक उड़ाया अपना इसहाक डार ने क्या, और चार्टर्ड जहाज़ों पे बचत के ये जो फनकार हैं मेंबरों को ला रहे हैं, ये चार्टर जहाज़ों पर मेंबरों को ला रहे हैं ये।